हेलो एंड वेलकम टू योर वन एंड ओनली चैनल स्टडीग्राम जोन। सबको नमस्कार और माफी चाहूंगा कि वीडियो आने में इतनी लेट हुई, लेकिन आज हमारा स्टडीग्राम जोन का लाइफ लेट्स क्रैक इट सीरीज का लाइफ साइंस का पहला वीडियो आने जा रहा है। बहुत बच्चे उत्सुक होंगे कि हमारी वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई, तो माफ कीजिएगा, कोरोना ने हमें तक नहीं छोड़ा है। तो आज हम लोग का मेनली बेसिकली हम लोग हेरिडिटी से शुरू करने वाले हैं, हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीजेस। और लेक्चर वन में तो हम पहले बेसिक्स की बात करेंगे और उसके डेफिनेशंस और उसके टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला लेट्स क्रैक इट सीरीज का बायो सेशन का पहला चैप्टर, हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीजेस। और अभी तक हमारे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हम आगे की हमारी वीडियोस के साथ आप लोग जुड़े रह सकें और हमारे को आपका रिव्यूज मिलता रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा चैनल है, तो लाइफ साइंस के पहले जो सेशन होंगे वो चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करना तो बोरिंग हो जाएगा यार, पढ़ने वाले हो तुम लोग भी समझते हो। तो हमारा जो लेक्चर वन होने वाला है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहला जो है आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी। लेक्चर टू में आपको मिलेंगे पॉलिनेशन। लेक्चर थ्री होगा मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि आप लोग जानते हैं कि इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है। और उसके बाद उसके जो लॉज आए थे, उसके डेरिवेशन जिस बेसिस पे उसने दिया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड उसके टर्मिनोलॉजीज, वो आपको मिलेंगे लेक्चर फोर। लेक्चर फाइव में मिलेगा डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड लेक्चर सिक्स द एंडिंग लेक्चर, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड जेनेटिक डिजीजेस। ये होगी ये पूरी वीडियो की प्लेलिस्ट, जिसमें आपको छह लेक्चर्स मिलेंगे, उसी में आपको सब कुछ बताया जाएगा, उसी में आपको सब कुछ दिया जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन में आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, असाइनमेंट एक्चुअली हमारे वेबसाइट पर अपलोडेड रहेंगे, वो आपको लिंक वहां प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाएं और वहां से डाउनलोड करें। और क्या कहते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक रहेगा, आप लोग चाहें तो वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी। जैसा कि आप जानते हैं, दैट्स बीन एन इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। आप बोल रहे हैं कि सर अभी तो आपने बोला कि इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी, फिर इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। एक्चुअली हेरिडिटी इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में ये दो लोग जो है ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक तो है हमारे ग्रेगोर जोहानन मेंडल सर, बहुत लोगों ने इनके बारे में जानते भी होंगे, बहुत नहीं भी जानते होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब सारी दुनिया को ये नहीं मालूम था कि पॉलिनेशन क्या होता है, इंटरब्रीडिंग क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, तब इन्होंने हमें बताया, एक्सपेरिमेंट्स करके दिए, इन्होंने लॉ दिए, जो कि हालांकि पहले नहीं माने गए, लेकिन उसके बाद उनके लॉ अप्रूव हो गए विद टाइम, वो आपको आगे हम बताएंगे। उसके बाद आता है नाम विलियम बेटसन का, जो ये जेनेटिक्स टर्म को उन्होंने कोट किया, जिन्होंने पहले बताया कि जेनेटिक्स नाम का ये चीज होगा, ये जो हम लोग पढ़ाई करेंगे ये क्या होगी, वो जेनेटिक्स होगी। एक्चुअली हम लोग जो हेरिडिटी पढ़ते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है एक बहुत ही ब्रीफ फील्ड है इन द वर्ल्ड ऑफ मेडिकल साइंस। आगे हम बढ़ते हैं अपने इसके साथ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स। हाँ, जानता हूं बहुत लोग सोच रहे होंगे कि डेफिनेशन की स्पेलिंग सर क्यों गलत है। गलत इसलिए है कि आप यहाँ पे समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे इंसान के कैरेक्टरिस्टिक का बात हो रहा है, और कैरेक्टरिस्टिक में आप जानते ही होंगे कि इंसान की बहुत पुरानी आदत है दूसरों की गलतियां निकालने का। लेकिन गलतियां निकालनी हो तो अपनी निकालो, जिससे फायदा तुमको हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जेनेटिक्स का डेफिनेशन। द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ गवर्निंग द इनहेरिटेंस कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू प्रोजेनी एट द नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। ये तो डेफिनेशन है, बहुत लोग पढ़ के समझ भी गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे, लेकिन अगर जेनेटिक्स से समझाया जाए तो जेनेटिक्स जो है वो एक पूरा फील्ड है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ, जैसे आप बायोलॉजी में पढ़ते होंगे बॉटनी, केमिस्ट्री, बॉटनी, एनाटॉमी, बहुत कुछ आप पढ़ते होंगे, लेकिन वैसे ही बायोलॉजी का एक फील्ड है जेनेटिक्स, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो जब एक जनरेशन टू जनरेशन जब फ्लो करते हैं, तो उसके जितने प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके जितने क्राइटेरियाज होते हैं, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो आप पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। जैसा कि आपने देखा, द साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या होता है? प्रोजेनी मतलब आने वाली पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन होती है। जैसे आपके पापा मम्मी होंगे, तो उनके जो बच्चे हो, यानी आप लोग जो हो, आप लोग क्या हो, आप लोग प्रोजेनी हो, आप लोग हो उनकी नेक्स्ट जनरेशन। फिर आपके भी बच्चे होंगे, वो होंगे आपके नेक्स्ट जनरेशन, तो दैट्स कॉल्ड जनरेशन। वैसे इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, स्टे ट्यून्ड विद अस, अभी लेक्चर खत्म कहां हुआ है।
तो जैसा कि मैंने अभी आपको कुछ देर पहले फोटो दिखाया था सर विलियम बेटसन का, ये जो आप देख पा रहे होंगे विलियम बेटसन को हमारे राइट हैंड साइड में, वो है विलियम बेटसन जिन्होंने जेनेटिक्स टर्म को कॉइन किया था इन 1905। जेनेटिक्स की मतलब क्या थी, एक्चुअली जेनेटिक्स इज अ ग्रीक ओरिजिन वर्ड। आप देखे होंगे साइंस में अधिकतर ग्रीक ओरिजिन वर्ड्स का यूज किया गया है, जिसमें जेन का मीन्स है टू ग्रो इनटू, मतलब बढ़ना, एक पेयर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन का बढ़ना, और उसके साथ साथ जो चेंजेस होते हैं, उसके साथ जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी को कहते हैं जेनेटिक्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ग्रेगर जेनन मेंडल को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। चलिए आगे बढ़ते अपने लेक्चर पे, इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी। अब जो चैप्टर है उसकी बात कर लेते हैं, हेरिडिटी जो चैप्टर है, तो हेरिडिटी में तो आप इनको जानते ही होंगे, आपने अभी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है इनसे मुलाकात हुई हुई, तो आगे पढ़ते हैं। तो हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रेट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन थ्रू रिप्रोडक्शन। अब क्या है कि जेनेटिक्स के अंदर आती है हेरिडिटी। हेरिडिटी कुछ नहीं है, हेरिडिटी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, जो एक इंसान का चरित्र है, एक जो उसकी चेतनाएं हैं, उसकी जो खूबी है, वो जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। सिंपल। अब जैसे कि आप बहुत सारे आप लोगों ने अपने घर में भी सुना होगा कि ये लड़का अपने पिता के ऊपर गया, इसका चेहरा अपने पिता से मिलता है, किसी ने कहा होगा कि इसका चेहरा इसकी माँ से मिलता है, इसका नॉलेज इसके दादाजी के तरह है, इसके बाल क्या कहते हैं इसकी माँ पे गए हैं, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, वो जो बॉडी में, ये तो कहते तो लोग बहुत ही हैं, लेकिन जो ये उसके प्रोसेस जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नोन एज हेरिडिटी। और हेरिडिटी की जो हमारी बेसिक यूनिट है, हर चीज की एक यूनिट होती है, जैसे आपने सुना होगा कि लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, जीन, सॉरी सेल। तो वैसे ही हेरिडिटी जो प्रोसेस है, हेरिडिटी तो एक कोई छोटा चीज नहीं है, हेरिडिटी जो इतना बड़ा प्रोसेस है, तो इसकी जो बेसिक यूनिट है वो है जीन। आगे बढ़ते हुए हमारे लेक्चर पे अब आते हैं बात जीन की। जीन जब हमने जाना शुरू किया है तो जान लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे राइट साइड में, ये है विलियम जॉनन्स, इन्होंने जीन टर्म को क्वाइन किया था। आगे बढ़ते हुए, जीन जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया, अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी क्या था, हेरिडिटी था प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन, और जीन जो है वो खुद कैरी करता है कोडिंग्स, और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं वो उसके अंदर कैद रहते हैं। वो क्या होता है, हेरिडिटी जो प्रोसेस है उसके थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और इस टर्म को कॉइन किया था विलियम जॉनसन ने, जैसा कि आपने अभी थोड़ा देर पहले उनके फोटो से वाकिफ हुए होंगे, इन द ईयर 1909। ईयर मैटर नहीं करता यार, साइंस है, हिस्ट्री नहीं। आगे बढ़ते हैं, बस डेफिनेशंस को पढ़ो, समझो, और कोई डाउट हो तो प्लीज हमसे पूछो, हमारे कमेंट सेक्शन में भी, या फिर हमारे वेबसाइट पे, हमारे आस्क अड्डा पे, कहीं पे भी जाके हमसे पूछो। डाउट अपने पास मत रखना, शेयर करना, क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू क्रोमोसोम। जीन जो है ना, वो जीन रहती है कहाँ, क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं क्या है। क्रोमोसोम जो है वो आप देख पा रहे होंगे, ये जो नीचे फोटो दिख रहा है ना, ऐसे एक्स टाइप का एक फाइबर से जुड़ा हुआ कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, जिसके ऊपर जीन रहता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत सारे जीन्स का घर है क्रोमोसोम। और इसकी जो डिस्कवरी की थी वो हमारे साइंटिस्ट हेनरिच विलहेम गॉटफ्रेंड वॉन वेल्डियर हर्ट्ज ने। नाम बहुत बड़ा है यार, पर साइंटिस्ट हैं तो क्या कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन इज नोन एज क्रोमोसोम। अब क्या है कि आप लोग पहले आप लोगों ने बहुत सारे सेल के डायग्राम बनाए होंगे, उसमें आप लोगों ने बहुत एक गोल सा न्यूक्लियस बनाते थे, उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते थे, ऐसे मतलब रस्सी की तरह टान दिया करते थे, कैसे भी खींच दिया। मैं तो यही करता था, आपका पता नहीं, मुझे ड्राइंग नहीं आती, मैंने तो नहीं की, लेकिन ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप बना दिया करते होंगे। वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जब कंडेंस फॉर्म में आते, कंडेंस मतलब क्या, जब वो एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो इस शेप में बन जाते हैं, जैसा कि आप फोटो अभी यहाँ मेरे सामने देख पा रहे होंगे। इस शेप में वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो उसके मतलब वो क्रोमोसोम बनना शुरू हो जाते हैं, और उसी के ऊपर जो है हमारे जीन जो है वो जाके रहता है। और इसमें जो है उसके पार्ट्स हैं, टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स होते हैं इसमें,
जो इसके जो साइड देख पा रहे होंगे आप, इसको क्रोमेटिड्स कहते हैं। फिर जो नीचे आएंगे तो पी आर्म है, उसके बाद सेंट्रोमियर द सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, और उसके बाद फिर वही क्यू आर्म, और ये यहाँ पे वैसे दोनों क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये आपको जो दिख रहा है वो डीएनए मॉलिक्यूल, जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप कंडेंस होता थे, वो यहाँ पे आपको मैंने विजुअलाइजेशन दिखाया कि कैसे वो कंडेंस होके क्रोमोसोम बनते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। टर्म्स रिलेटेड टू हेरिडिटी, यार देखो बात यह है कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय उसे टर्म से पहले वाकिफ हो जाना पड़ता है, वरना डेफिनेशन तो पढ़ रहा है लेकिन डेफिनेशन में क्या है वो समझ में नहीं आएगा, वो बस रटते जाएंगे। तो इसीलिए पहले टर्म्स को समझते हैं। तो टर्म्स में क्या है, पहला टर्म्स है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा है ट्रेट। एक्चुअली दोनों का मतलब लगभग सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ऑल स्पेशल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट आर ट्रांसमिटेड थ्रू जीन्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। मतलब एक भी स्पेशल फीचर्स जो है इंसान के, जैसे कि आई कलर हुआ, हाइट हुआ, ये सब जो है उसको कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। और ट्रेट क्या है, द फेनोटाइप एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड ट्रेट। फेनोटाइप मीन्स जो हम लोग अपने आंख से देख पाते हैं। बहुत कुछ चीज होती है जो हमारे बॉडी के इंटरनल डोमिनेंस के वजह से वो चीज हमें दिखती तो है लेकिन एक्चुअल में होती नहीं है। आपको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन आप आगे जो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ट्रेट्स है क्या। एग्जाम्पल में जैसे आप देख पा रहे होंगे, एग्जाम्पल आई कलर इज अ कैरेक्टरिस्टिक वेयर अ ट्रेट वुड बी ब्लू आईज और ब्राउन आईज। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि देखिए कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि आई कलर, लेकिन आई क्या है, अब कलर की बात आ रही है तो यार ब्राउन भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है, रेड तो नहीं होता एक्चुअली, ब्लैक हो सकता है, और भी बहुत सारे कलर्स होते हैं, किसी के आपने देखे होंगे कि ग्रीन आईज भी होती हैं, तो वो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेट। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आई कलर हो गया। अब हाइट है, हाइट में भी आपने देखा होगा कोई बहुत छोटा होता है 3 फीट का हो जाता है, कोई होता है 7 फीट का, तो दैट इज कॉल्ड ट्रेट, दैट कम्स अंडर ट्रेट। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक वो खूबी है, आई कलर एक खूबी है, लेकिन वो कैसी है वो हमें बताता है ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलील और एलिलोमॉर्फ, और उसके बाद आता है लोकस। एलील क्या होता है, एलील जो है पेयर ऑफ जीन, पहले आपने क्या पढ़ा क्रोमोसोम पे जीन होता है, अब जीन जो है वो पेयर ऑफ जीन दैट अपियर एट अ पर्टिकुलर लोकेशन ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम एंड कंट्रोल द सेम कैरेक्टरिस्टिक योर सच एज ब्लड टाइप और कलर ब्लाइंडनेस, योर ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड बाय द एलील्स यू इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स। क्या होता है कि एक पेयर ऑफ जीन जो एक जगह पे रहता है मिलके और एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करता है, उसको क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। मान लीजिए कि आप दो दोस्त हैं, आप स्कूल में गए और आपको टीचर ने दोनों को ग्रुप टास्क दे दिया, तुम यहाँ पे रहो और तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है, तो उस केस में आप लोग पर्टिकुलर जो है एक एक इंसान जीन है, लेकिन जब आपका काम सेम है तो आप लोग क्या बन गए, एलील। द ग्रुप ऑफ जीन्स असाइंड अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क इज नोन एज एलील। अब बात करते हैं लोकस की। लोकस में कुछ नहीं है, लोकस वो जगह है। इतनी बड़ी आपको डेफिनेशन दिख रही होगी, मैंने एक एज अ इसके लिए लिख दिया क्योंकि आप भी लोग बोलते होगे डेफिनेशन, अरे यार डेफिनेशन में कुछ नहीं रखा है। साइंस वो है कि अगर आपको समझ में आता है आप अपने से लिखो। हाँ, अब ये नहीं कि आप लॉ अपने से बनाने लग जाना, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम है, वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक रिक्वायरमेंट है, एक पर्टिकुलर चीज चाहिए, लेकिन आप अगर समझते हो तो आप चीज को लिख सकते हो। तो लोकस क्या है, लोकस वो पॉइंट है जहां पे अ पर्टिकुलर जीन स्टेज, मतलब जीन का जो पर्टिकुलर घर है क्रोमोसोम पे वो कहाँ है। आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले क्रोमोसोम दिखाया था, क्रोमोसोम आपने देखा होगा, ये जो मैंने क्रोमोसोम दिखाया इतना बड़ा जो आपको एक्स टाइप का ये जो क्रोमोसोम दिख रहा है, इसमें आपको क्या कहते हैं, जो पर्टिकुलर एक जीन कहाँ पे स्टे कर रहा है वो खोजना बहुत मुश्किल है। तो ये जो पर्टिकुलर एक जो जगह है उस जगह को कहते हैं लोकस। अब ये साइंटिस्ट जब देखते हैं तो उन्होंने एक असाइन करके रखा है कि हाँ भाई इसका है ये ट्रेट का लोकस, ये है इस क्रोमोसोम पे, ये यहाँ पे पाया जाएगा। समझ में आ रही होगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर पे। ये है ट्रेट्स ऑफ मेंडल। अब ट्रेट की बात हो रही थी तो मैंने आपको ट्रेट बता दिया। मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए थे तो उन्होंने 7 ट्रेट्स सेलेक्ट किए थे, वो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, और इसकी डिटेल में मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा जहां पे मैं इसे समझाऊंगा, क्योंकि बिना समझे यार कोई फायदा नहीं है। अब बात आती है फेनोटाइप की, और इसके बाद बात आएगी जीनोटाइप की।
ये दो जो है इंसान के वो कैरेक्टर हैं, इंसान के वो कैरेक्टर हैं जो एक दिखता है और एक जो दिखता है वो नहीं होता है। अब बोल रहे होगे क्या सर, क्या मेरे को पका रहे हो? तो बात यह है कि फेनोटाइप वो कैरेक्टर है जो हम आंख से देख पाते हैं। फेनोटाइप इज डिफाइंड एज द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बोथ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग लाइक ट्रेट्स। फेनोटाइप जो है वो आप आंख से देख पाते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि हाँ इस फूल का कलर क्या है, रेड है, या इस इंसान के हेयर कलर क्या है, ब्लैक है, किसी का वाइट है, ये आप देख पा रहे हो। लेकिन वहीं पे जब बात आती है जेनोटाइप की, तो जेनोटाइप जो है, मान लीजिए कि कोई इंसान आपको लंबा दिख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लंबा हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक फैक्टर काम आता है, वो जो क्या कहते हैं, आपको देखने को मिला होगा, आप लोग जब रिप्रेजेंटेशन करते होंगे कैरेक्टरिस्टिक का, तो टी फॉर्म में हाइट को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया कैपिटल टी, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन, और यहां पे आएगा स्मॉल टी जो कि हो गया रेसेसिव जीन। तो इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभार हाइब्रिड फॉर्म होते हैं। अब आप पूछोगे सर हाइब्रिड क्या है, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, डेफिनेशंस बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो ये जो हाइब्रिड फॉर्म होते हैं, इसके वजह से क्या होता है कि आपको हाइट तो आपको दिख रहा है, हाइट आपको समझ में भी आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं ना, जो दिखता है वो हम होता नहीं, हर पीली चीज सोना नहीं होती, उसी तरह। अब आगे बढ़ते हैं, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड प्योर। ये दोनों प्योर टॉल जीन है और ये दोनों प्योर शॉर्ट जीन है। मतलब शॉर्ट जीन क्या मतलब, कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करते हैं। लेकिन जब ये हाइब्रिड फॉर्म करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये तो टॉल है, ये तो टॉल है, और ये क्या कहते हैं, शॉर्ट है। बट ये जो है, ये टॉल और शॉर्ट के कॉम्बिनेशन होने के बावजूद भी ये टॉल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टी जो है डोमिनेंट है, अगर स्मॉल टी डोमिनेंट हो जाए तो वो शॉर्ट होगा। तो ये होमोजाइगस, ये हाइब्रिड फॉर्मेशन होता है। लेकिन अब बात यहाँ पे होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म की चल रही है, तो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म वो है जो कि सेम पेयर में रहते हैं। जैसे यहाँ डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले, व्हेन द पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली सेम, जब वो दोनों एकदम सेम हो, एकदम एक दूसरे के कॉपी हो, तब उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म, जब उसमें दोनों जीन सेम है। लेकिन बस वही मैं बात करूं अगर हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म, तो वहां पे क्या आता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड, व्हेन द पेयर ऑफ जीन प्रेजेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम आर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग टाइप। कॉन्ट्रास्टिंग टाइप मतलब अलग अलग, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब क्या, अलग अलग, देन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटरोजाइगस ऑर्गेनिज्म। हेटरोजाइगस मींस डिफरेंट। अब यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, हेटरोजाइगस, ये जो इससे जो प्लांट मिलेगा वो भी टॉल मिलेगा, और इसके पहले वाले जो आपने देखा था, ये जो आपने यहाँ पे जो देखा है, इससे भी आपको टॉल प्लांट मिलेगा। लेकिन दैट्स द डिफरेंस कॉल्ड फेनोटाइपिक कैरेक्टर एंड जेनोटाइपिक कैरेक्टर। यहाँ पे आप दोनों को आप देख पा रहे हो, वो आपका फेनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया, लेकिन जब आप उसको जेनेटिकली देखोगे तब वो जेनोटाइपिक कैरेक्टर होता है। तो इसके आगे आता है वेरिएशन। वेरिएशन तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसकी वजह से आज हम लोग इस धरती पे जिंदा हैं। ऐसे तो आप देख रहे हो हर समय जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंटल चेंजेस के साथ बॉडी के जो एडेप्टेशन है, दैट थिंग इज टर्म्ड एज वेरिएशन इन बायोलॉजी। एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स, इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसीज कॉज्ड आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंस और बाय इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल आर कॉल्ड एज वेरिएशन। एक्चुअली होता क्या है कि एनवायरमेंट के साथ या फिर जेनेटिक कारणों की वजह से हमारे बॉडीज में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि मैं पहले एनवायरमेंट की बात लेता हूँ, हमारे बॉडी में अपेंडिक्स नाम की एक चीज हुआ करती थी, आज भी है, आप लोग देखे होंगे, आपके बुक में डायग्राम भी होगा। अपेंडिक्स और कॉकिक्स करके एक होती थी, जो हम जैसे कहते थे कि हाँ हम बंदरों से हमारी उत्सर्जना हुई है, तो हमारे पीछे पूंछ हुआ करती थी, तो वो धीरे धीरे जब हम लोग बढ़ते गए तो वो पूंछ गायब हो गई। तो दैट द थिंग कॉल्ड एज वेरिएशन।
जो हमारे अंदर चेंजेस आए इस एडेप्टेशन को मेंटेन करने के लिए, इस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, ये इन्वायरमेंट में अपने आप को एडेप्ट करने के लिए जो बॉडीज चेंजेस करता है उसको क्या कहते हैं, वेरिएशन। इन्वायरमेंट नहीं, कुछ जेनेटिक चीजेस भी होते हैं, जैसे ये यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है एग्जाम्पल ब्लू आईज का, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन भी होता है, जो मैंने आपको दिखाया था आप देख पा रहे होंगे डी नंबर में, दैट इज ग्रीन आई, किसी का ब्लैक होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी आपका चेंज है, लेकिन ये जेनेटिक चेंज है, ये इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं है। तो अगर सीधी भाषा में कहा जाए, वेरिएशन मीन्स द चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर और बाई सम एक्सटर्नल जेनेटिक डिफरेंसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूटेशन। A mutation occur when a DNA gene is damaged or changed in such a way as to alter the genetic message carried by that gene. ये म्यूटेशन क्या होता है? एक्चुअली म्यूटेशन इज जस्ट लाइक वेरिएशन, बट इसमें होता क्या है, जब एक कोई जीन, पर्टिकुलर जीन जब डैमेज हो जाता है, मतलब किसी कारण वह कुछ उसमें चेंजेस आ जाते हैं या फिर कुछ उसके अंदर चेंजेस हो जाता है, जैसे हमारे डीएनए में आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारे कलरफुल कोडिंग्स हैं, तो ये कोडिंग नहीं है, ये आपने डीएनए पढ़ा होगा, तो ये आपके बेसेस हैं, एडेनिन गुआनिन करके बेसेस होते हैं, तो इन बेसेस में जो चेंजेस आ जाते हैं अचानक से, और या फिर वो जो डीएनए का ये जो सीक्वेंस आप पूरा देख पा रहे हैं, इसमें अगर कुछ टूट जाता है तो उससे जो कैरेक्टरिस्टिक जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, दैट चेंज इज कॉल्ड म्यूटेशन। A mutagen is an agent of substance that can bring a permanent alteration of the physical composition of a DNA gene such that genetic message is changed. इसमें होता क्या है कि जब कोई एक जीन डैमेज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, म्यूटाजेन। क्यों? क्योंकि उसी के वजह से पर्टिकुलरली म्यूटेशन होता है, और वो क्या करता है, एक जीन के डैमेज होने की वजह से वो पूरे मैसेज को ही चेंज कर देता है, इसीलिए बहुत सारे चेंजेस बॉडी में देखने को मिलते हैं, वो उनके पुराने जनरेशन में नहीं थे और उनके आने वाले जनरेशन में भी नहीं होने वाले हैं, लेकिन इन सर्टेन केसेस वो क्या होता है कि वो डैमेज की वजह से वहां पे चेंज ऑकर करता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज म्यूटेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैनल पे। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अब इस लेक्चर को खत्म करने का टाइम आ चुका है, सो स्टे ट्यून्ड विद अस स्टडीग्राम जोन विथ हैशटैग पढ़ना हुआ आसान, और हाँ, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में से जाइए, असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और इसकी सॉल्यूशन आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। सो गुड बाय।